क्या शार्क टैंक स्क्रिप्टेड होता है? शार्क टैंक में जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उन्हें शूटिंग के बाद डॉक्टर के पास क्यों भेजा जाता है? शार्क टैंक में शार्क्स के कान में शूटिंग के वक्त हिडन ईयरफोन्स क्यों लगाए जाते हैं? शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ फंडिंग लेने नहीं और कुछ भी करने आते हैं, आखिर क्या? टीर होने पर जो चेक्स एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं वो नकली होते हैं, पर क्यों? और अश्निल गोयल को शार्क टैंक से क्यों निकाला गया? ये सब सवालों के जवाब और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आपका शार्क टैंक के एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट। शार्क टैंक में वैसे तो एंटरप्रेन्योर्स फंडिंग लेने आते हैं, बट बहुत एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग के लिए भी आते हैं क्योंकि ये शो पूरे देश में टेलीकास्ट होता है। बट हर एपिसोड को टीवी पर नहीं दिखाया जाता। एक बंदे ने ट्वीट भी किया था, वो शार्क टैंक में आया था बट उसका एपिसोड कभी टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। शार्क के कानों में शूटिंग के वक्त हिडन ईयरफोन्स लगाए जाते हैं ताकि अगर किसी एंटरप्रेन्योर की इमोशनल बैक स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर शार्क को वो स्टोरी के बारे में पूछने को बोलते हैं और फिर शार्क वो स्टोरी पूछते हैं। शूट में जितने भी डील्स होते हैं वो फाइनल कंसीडर नहीं होते, उसका बाद में पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, कहीं पर कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। बाद में एक्चुअल फंडिंग दी जाती है और शूटिंग के वक्त जो चेक्स दिए जाते हैं वो भी नकली होते हैं। अश्निल को शार्क टैंक से क्यों निकाला गया ये जानना चाहते हो तो उसके लिए लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक